क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आगाज 5 अक्टूबर तो होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट का आयोजन भारतीय सरजमी ते किया जाएगा, पर भारतीय टीम की परेशानी लगातार बढ़ रही है। टीम इंडिया वेस्ट इंडीज खिलाफ टेस्ट और वनडे मैचों तो बाद T20 मैचों की सीरीज खेल रही है, पर टीम इंडिया लई मिडल ऑर्डर की समस्या ज्यों दी त्यों बनी हुई है। इसे दरमियान भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप और टीम इंडिया की प्लेइंग 11 नु लेके वड्डा बयान दिता है। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा है कि वर्ल्ड कप लई टीम इंडिया च केड़े केड़े खिडारियों नु थां मिलेगी यह कहना मुश्किल है। रोहित शर्मा ने कहा कि पहला तो केड़े खिडारी की जगह पक्की है यह कह नहीं जा सकता, इथों तक मैं ये भी नहीं कह सकता कि मेरी थां पक्की है या नहीं। इस तो इलावा रोहित शर्मा ने खुद मनिया है कि भारतीय टीम लई नंबर 4 वड्डा मसला बनिया होया है। रोहित शर्मा मुताबक भारतीय टीम दे कई खिडारी सट नाल जूझ रहे ने, अजिहे च साडे लई नंबर 4 बल्लेबाज दी चोन करना बेहद ही चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। हालांकि भारतीय कप्तान ने कहा कि नंबर 4 लई सुरेश अय्यर अते KL राहुल बेहतर बदल हो सकते ने, पर फिलहाल दोवें खिडारी ग्राउंड तो दूर ने। हालांकि भारतीय टीम मैनेजमेंट अते फैंस लई चंगी खबर यह है कि सुरेश अय्यर अते KL राहुल पूरी तरह फिट हो चुके ने। इस समय सुरेश अय्यर KL राहुल बेंगलोर स्थित नेशनल क्रिकेट अकैडमी च ने। रोहित शर्मा ने उम्मीद जताई है कि सुरेश अय्यर अते KL राहुल वर्ल्ड कप तक पूरी तरह फिट हो जाएंगे अते प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकेंगे। ABP सौंचा जोश जज्बा जुनून।